आइए आइए पंडे। अरे प्रभुवर, प्रणाम आचार्य, कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल? हाँ ठीक है। ये देख क्या रहे हैं आप? अपने विराजने का स्थान ढूंढ रहा था गुरुवर, पता नहीं यहाँ मेरे बैठने का स्थान है कहाँ। तो हम यहाँ किस लिए हैं? हम आपको बताते हैं। आइए आइए आइए, हमारे साथ आइए आइए, यहाँ विराजी। आप क्या बात कर रहे हैं? ये महाराज का सिंहासन? अरे तो क्या हुआ पंडित जी, आप भी तो किसी बादशाह सम्राट से कम नहीं है। आप जैसे विद्वान, महाज्ञानी, ओजस्वी, तेजस्वी महापंडित को इससे कम पद पर कैसे बिठा सकते हैं? विराजी, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? ओह चलिए कोई बात नहीं, आइए आइए यहाँ आइए, यहाँ विराजी आप। ये है महामंत्री जी का पद, यहाँ विराजी आप। एक क्षण, ये आप क्या कर रहे हैं आचार्य? मैं ऐसे क्यों, क्या हुआ, ये भी पसंद नहीं आया? ओहो आइए आइए आइए, कृपया उठिए। ये है उपमंत्री का पद, यहाँ विराजी आप। ये भी अच्छा नहीं लगा? ओहो ये तो बड़ी बड़ी विकट समस्या हो गई, क्या करें? कौन सा पद दें आपको, कौन से स्थान पर बिठाएं? ये यहां ये आया पंडित का आक्रमण, गुरु जी के स्थान में आ रहा है। अब संभाल मुंडे। आए? ये स्थान ठीक लगता है। यहां बैठेंगे आप? इस स्थान पर बैठने के लिए तुझे 100 जन्म लेने पड़ेंगे पंडित। संभवतः तब भी तेरे भाग्य में यहां बैठना संभव नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा स्थान है, राज पुरोहित तथा आचार्य का स्थान। नहीं आचार्य, ऐसा कोई कठिन परिश्रम नहीं लगता यहां बैठने के लिए। रुकिए, मैं दिखाता हूं आपको। बताते हैं तेरा सही स्थान कौन सा है। ये तेरा स्थान, इसी स्थान की योग्य है तू, विदूषक नियुक्त हुआ है तू। यहां बैठ और प्रतीक्षा कर, तमाशा देखने का मन हुआ तो बुलाएंगे तुझे तमाना दरबार में, हमारा मन बहलाने और हंसाने के लिए। तब तक यहीं बैठ। बस बहुत हुआ रामा, अब इससे अधिक और अपमान नहीं सहा जा रहा मुझसे तेरा। मुस्कुराता क्यों? मुस्कुरा नहीं रहा आचार्य, बल्कि उस परम परमेश्वर की असीम अनुकंपा के आगे अपना धन्यवाद अर्पण कर रहा हूं। आप ही सोचिए, कल तक जिसके पास बैठने के लिए ठीक से ठौर ठिकाना तक नहीं था, आज अपने राजा के राज दरबार के द्वार पर बैठा स्वयं को कितना गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद ये स्थान देने के लिए। अब तो इस राज दरबार में जो कोई भी आएगा उसे सर्वप्रथम मेरे ही दर्शन होंगे। आपको भी प्रभु। हे
क्षमा करें मान्यवर, ये तो हम दरबारियों का स्थान है, आप यहाँ। स्थान कभी बड़ा छोटा नहीं होता बंधुवर, उस पर बैठने वाला छोटा या बड़ा होता है। और वैसे भी योग्यता कभी पद नहीं खोजती, पद स्वयं अपना योग्य व्यक्ति ढूंढ लेता है। राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, नरेशों के नरेश, महाबली बाहुबली महाराज श्री कृष्ण देव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्ण देव राय की जय। 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 आचार्य तथाचार्य विराजमान होइए। न लेटेंगे न सोएंगे और बस खड़े ही रहेंगे। महाराज गुरु माता ने महाराज कल रात्रि भगवान शिव से हमारी भेंट हुई, तो उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय शिष्य तथाचार्य, विजयनगर की प्रजा के कल्याण हेतु कुछ दिनों तक तुम्हें खड़े रहने का व्रत रखना होगा। तो हमने कहा जैसी प्रभु इच्छा। धन्य है हम कि आप हमारे आचार्य हैं। हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि आज दरबार में एक नई नियुक्ति हुई है, पंडित रामकृष्णा। पंडित रामकृष्णा आप वहां, आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे महाराज। जी हाँ, वो क्या है ना महाराज, आज विदूषक महोदय का दरबार में पहला दिन है, तो हमने सोचा, मतलब हम सब ने सोचा कि दरबार की कार्यवाही कुछ मनोरंजन के साथ की जाए, कि हमें कुछ सुनाएं, हास परिहास करें, कुछ उछल कूद करें, हमारा दिल बहलाएं, हमें हंसाएं, उसके बाद दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए, तो कैसा रहे? विदुषक रामकृष्णा, इस विषय में आपका क्या कहना है? महाराज, जैसा राजगुरु और बाकी आदरणीय सभापतियों की इच्छा, यदि महाराज अनुमति दें तो आज का मनोरंजन मैं एक कविता द्वारा महाराज के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। अनुमति है पंडित रामकृष्णा, अनुमति है, आप जैसे चाहो अपना प्रदर्शन प्रस्तुत कर सकते हो। धन्यवाद महाराज, आनंद लें इस कविता का। तो प्रस्तुत है एक रोचक कहानी, पंडित रामकृष्ण की जुबानी है कहानी। ये एक आलसी पंडित की, करता ना था वो कभी कोई काम, चारों पहर बस आराम आराम और आराम। फिर एक दिन एक जोगी ने उसे नींद से जगाया और उसे उसके होने का आभास भी दिलाया। बस यही सोचकर निकल गया पंडित राजा के महल की ओर, मन भरा उत्साह से हृदय में नाच रहे थे मोर। मन प्रफुल्लित था, मन में था विश्वास कि राजा उसकी प्रतिभा परख कर रख लेंगे अपने पास। पर क्या पता था पंडित को कि राजा से मिलना आसान नहीं है, ये कोई खाने का काम नहीं है। था खड़ा उसके और राजा के बीच एक धूर्त इंसान, जिसमें थी ना ही कोई इंसानियत ना रत्ती भर ईमान। पसंद नहीं आया उसे उस पंडित का चेहरा और बना दिया उसे अपने षड्यंत्र का मोहरा। उड़ गए तब उत्साह के सभी मोर, जब बनाकर खड़ा कर दिया गया उसे राजा के सामने एक नामी चोर। पर पंडित भी कहां हार मानने वाला था, यूं पराजित होकर घर लौट जाने वाला था। चलाया उसने भी बुद्धि का चक्र, ऐसा हो गया न्याय, मिला जैसे को तैसा। आखिरकार पंडित उस दुष्ट के चंगुल से बाहर आ गया और हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। और कुछ ऐसा किया कि याद आ गई उस दुष्ट को भी अपनी नानी। बुद्धिमान राजा को आखिरकार पंडित भा गया और यूं वो राजा के दरबार में आ गया। कहता है डंके की चोट पर वो पंडित, सुन ले दुनिया सारी, कर ले जिसे जो भी करना है, नहीं चलेगी उस दरबार में अब चापलूसी और भ्रष्टाचार की मीठी आरी। है खड़ा अब वहां वो पंडित अपने बुद्धि शस्त्र के साथ, नहीं चलेगा अब वहां कोई गोलमाल, नहीं चलेगा अब वहां कोई अंधविश्वास।
करता है समाप्त रामा ये कविता इस अंतिम पंक्ति के साथ, रहे सदैव सर पर महाराज का हाथ, रहे सदैव ये रामकृष्णा अपने महाराज की छत्र छाया के आसपास। निसंदेह आपकी कविता अत्यंत सुंदर और कर्णप्रिय थी। बुद्धिमान तो आप है ही, साथ ही एक अद्भुत कवि भी हैं आप। आपका जीवन के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उसने हमारा मन मोह लिया है पंडित रामकृष्ण। हमें खुशी है कि आप जैसा प्रतिभाशाली, आप जैसा रोचक व्यक्ति इस दरबार की शोभा है। विजयनगर राज्य के दरबार में हम विदुषक रामकृष्णा का स्वागत करते हैं। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। महारानियों की महारानी, विजयनगर राज्य के मस्तक का गौरव, राज्य का स्वाभिमान सौंदर्य देवी, राज जानकी महाराज श्री कृष्ण देवराय की धर्म पत्नी अर्धांगनी महारानी चिन्ना देवी पधार रही है। पधार तो रही हैं, परंतु साथ में पधार रही हैं महाराज श्री कृष्ण देवराय जी की धर्म पत्नी अर्धांगनी अतुल्यन तुलावा कुल की मर्यादा महारानी श्री तिरुमा लांबा। क्षमा कीजिए महाराज, जिज्ञासावश पूछ रहा हूं। आज महारानियां राज दरबार की शोभा बढ़ाने आई हैं, कोई विशेष कारण महाराज? रसु जी, आप तो भली भांति जानते हैं, जहां साज श्रृंगार और परिधानों की बात होती है वहां पर उनका होना तो अनिवार्य है। हम समझ गए महाराज। दरबार की कार्रवाई आरंभ की जाए। महाराज, एक विदेशी महिला व्यापारी को आपके सामने प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। उस महिला का दावा है कि उनके पास ऐसे विशेष वस्त्र और महिला परिधान है जो आज तक ना ही कभी देखे गए, ना ही सुने और ना ही पहने। महिला व्यापारी चाहती है कि यदि महारानियों को उनके वस्त्र परिधान पसंद आए तो महाराज उन्हें खरीदकर महारानियों को भेंट करें और महारानियों की अपूर्व सौंदर्य की शोभा बढ़ाए। यदि महाराज की अनुमति हो तो हम। अवश्य अनुमति है, सम्मान उन्हें भीतर लाया जाए। महिला व्यापारी हाजिर हो। ये लड़की धरती पे चल रही है गीले मटकों पर। अरे इसे छोड़, अपने बुढ़ों को देख, आंखें और मुंह ऐसे खुली हुई हैं जैसे इस धरती पर पहली बार इसकी आंखें खुली हो। विजयनगर साम्राज्य के महाबली सम्राट और उनकी दोनों महारानियों को चुंगफू पाकर प्रणाम प्रणाम प्रणाम। इसका साहस तो देखो, हमारे सामने फूफा करिए। इनका नाम है रानी तिरुमलम्बा, इनके यहाँ ऐसे ही नाम होते हैं। आपसे किसने पूछा, हम तो ऐसे बुदबुदा रहे थे। स्वागत है आपका। तो आप ही है वो जो ये दावा करती है कि जो वस्त्र जो साड़ियां आप हमें यहां दिखाने लाई हैं वो ना तो कभी बने हैं
ना किसी ने ऐसे देखे हैं। जी, इसके अतिरिक्त और भी कई विशेषताएं हैं महाराज, जैसे कि इन साड़ियों के इतिहास के परंपरा के अनुसार जिस राजा ने अपनी रानी को ये साड़ी भेजी है वो रानी अपने हर जन्म में रानी बन कर ही जन्मी है और राजभोग का सुख होगा है। तो जरा शीघ्र दिखाइए ना साड़ी, हम जरा जल्दी में। जी महारानी जी, अभी दिखाती हूँ। विलक्षण साड़ियाँ जो ना पहले बनी गई हैं और ना दिखी गई हैं। साड़ी की नकाशी पर वर्षों का परिश्रम लगा है। कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, आपको? हमें तो ऐसी बड़बड़ाने की आदत है, आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। ए बंधु। बस ऐसे ही मुस्कान लिए खड़ा रहे रामा, कुछ मत बोलना, बोला तो फंसा। मनी, इस कपटी बड़ों के साथ कुकर्म करते करते मैं अंधा तो नहीं हो गया हूँ? मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? अरे मुझे कौन सा कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे भी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या इस बुड्ढे को दिखाई दे रहा होगा? अरे इससे कहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसकी आंखों की बत्तियां तो ऐसे से लुपल पाती रहती है सुमार में, इससे कहाँ दिखाई दे रहा होगा। देख देख कैसे अपनी ओंझल आंखों से आंखें बना बना कर बार बार देखने का प्रयास कर रहा है। तो कैसी लगी साड़ी महारानी जी? लेकिन हमें तो आपके हाथ में कुछ भी दिखाई। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, ये साड़ी तो सिर्फ उस महिला को दिखाई देती है जो संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री है और जो अपने पति से बेहद प्यार करती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों को ये साड़ी जरूर दिखाई दे रही होंगी। क्यों छोटी महारानी जी? आपको साड़ी दिखाई दे रही है ना? हाँ, दिखाई दे रही है ना? दिखाई।
लाजवाब, अद्भुत, अति सुंदर, वाह। और आप बड़ी महारानी जी, आप भी तो महाराज से अतुल्य प्रेम करती हैं ना? लेकिन हमें तो आपके हाथ में कुछ भी, तो आपको तो ये साड़ी अवश्य दिखाई दे रही होंगी। क्या नक्काशी है, हमने आज तक ऐसी आकर्षक नक्काशी नहीं देखी। वाह, क्या साड़ी है, लाजवाब, हमारा तो इसमें मन आ गया है। वाह, क्या अद्भुत साड़ी है, जो ना होकर भी सबको दिख रही है। ऐसी साड़ी तो हमने भी जीवन में कभी नहीं देखी। बड़ा मजा आएगा इस अद्भुत खेल में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।